सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो जो है वो है नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस पे कैसे इंटरनेट शेयर किया जाए विदाउट एनी वायर। तो वो पॉसिबल है, जैसे कि समझो कि अगर आप बैठे एक जगह और दूसरी जगह पे आपको इंटरनेट शेयर करना है और उसकी डिस्टेंस बिटवीन समझो ना कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, हाँ वो पॉसिबल है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हो, पर उसके लिए एक ज़रूरी बात यह है कि आपको फर्स्ट जो प्लेस है जहाँ से आपको इंटरनेट शेयर करना है वहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो वहाँ से आप जो है ट्रांसमिट करके दूसरे प्लेस पे आप इंटरनेट दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा इसी पर ही है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं मत कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि मैं उस डिवाइस के बारे में बात करने वाला था, तो ये डिवाइस है, ये CPE6 राउटर भी यूज़ कर सकते हो आप। इसको एज समझिए ना कि आप मतलब दूसरा जो मैंने यूज़ बताया कि आप यहाँ से लेकर वहाँ पे अगर आपको इंटरनेट ट्रांसफ़र करना हो तो ऐसे डिवाइस आपके पास दो होने चाहिए। जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि मेरे पास ये डिवाइस ऐसे दो है। तो बेसिकली ये दोनों का मतलब काम ऐसा है कि एक रहता है रिसीवर और एक रहता है ट्रांसमीटर। जो जो ये है, अगर मैं इसको बोलूँ 1 एंड 2, तो ये मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत कर लूँगा कि ये जो है यहाँ से इंटरनेट ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ से रिसीव करेगा। दोनों की जैसे कि आप एक एक आपको दूसरी प्लेस पर लगा तो ये दूसरी प्लेस पर लगा, ये दोनों का चेहरा एक दूसरे से ऐसे मिलना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं ये वीडियो में पूरी बताऊँगा कि इसको कैसे मतलब प्रोग्राम करते हैं, इसको किस हिसाब से यूज़ किया जाता है, ये कितने किलोमीटर तक चलता है। बेसिकली कंपनी इसका जो एश्योर करती है वो करती है 25 किलोमीटर। मैंने इसको वर्क किया हुआ है, मैंने इसको वर्क में लिया था 1 किलोमीटर के अंदर। तो ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है और मेरा ये ऊपर भी लगा हुआ है, मेरे ढाबे पे, मैं टेरेस पे भी लगा हुआ है जहाँ पे ये नियर बाय समझो ना कि 2 किलोमीटर तक का इंटरनेट देता है और काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसका सबसे पहले कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके साथ एक और डिवाइस होता है जिससे ये वर्क करता है, उसको बोलते हैं POE। तो ये जो दूसरा डिवाइस है वो है POE। तो POE में कैसा है कि ये दो पोर्ट दिए जाते हैं, एक तो है ये LAN जो हम डायरेक्ट डालेंगे कंप्यूटर का जो नेट का वायर आएगा वो यहाँ डालेंगे, और दूसरा जो है वो आएगा POE। तो POE से ये डायरेक्ट वायर जाएगा इसमें, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर, और ये टोटली 100% लाइटनिंग प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। इसकी प्राइस है नियर बाय 6000 और ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पे भी। ये जो मेन जो बीमर है मैंने इसको अभी इसके एंटीना से डिटैच कर दिया है ताकि कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये किस हिसाब से वर्क करता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसको जो है रीसेट करूँगा, यहाँ से मैं इसका स्विच ऑन किया, अभी यहाँ पे धीरे धीरे पावर आएगी, फिर इसके बाद ये पावर यहाँ पे ब्लिंक होगी। इसका मतलब ये है कि ये अभी स्टार्ट हुआ है और अभी मैं इसको करने जा रहा हूँ रीसेट। इसके रीसेट के दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से रीसेट कर सकते हैं या तो इसको डायरेक्ट यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ से रीसेट करूँगा। इसको बेसिकली आपको 5 to 10 seconds इसको प्रेस करके रखना है। देख सकते हैं सामने जो है वो लाइट अभी बंद होकर चालू हो गई है, इसका मतलब है कि ये रिसेट पूरा हो चुका है। अब इसको फिर यहाँ से छोड़ दीजिए। जो डायरेक्टली है लैन के पोर्ट से निकला है और POE वाला जो वायर है वो मैंने डायरेक्ट इसके बीमर के अंदर लगाया। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा मेरे कंप्यूटर के पीछे। तो इसका लैंड वायर कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, ये जो आप देख सकते हैं पृथ्वी आकार का जो आ रहा है सिंबल, यहाँ से हमें इसको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके ओपन इंटरनेट सेटिंग। ओपन इंटरनेट सेटिंग के बाद यहाँ पे क्लिक करना है चेंज एडाप्टर ऑप्शंस। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये इथरनेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमको सिलेक्ट करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद IP हमें कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी, यहाँ से क्लिक करना है यूज़ द फॉलोइंग IP 192.168.0.253
और यहाँ पे सब मास्क रखना है 255.255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे रखना है 192.168.0.1। फिर यहाँ से हमें ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद यहाँ से फिर डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करने के बाद यहाँ पे इसकी हमें जो है आईपी डालनी पड़ेगी। शायद से मैंने आपको आईपी गलत बताई थी, पर आईपी इसकी रियली में ये है 192.168.0.254। यहाँ से क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा आएगा, पर इसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंप्यूटर को। आप यहाँ से एडवांस दबा सकते हैं। एडवांस दबाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना कंटिन्यू टू दिस, तो यहाँ पे जो है इसका पेज खुल जाएगा। ये जो है ये रिसेट करने के बाद कुछ ऐसा है, जो यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा वो है ADMIN admin। फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका रीजन। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। और यहाँ से क्लिक करना आई एग्री टू दिस टर्म्स ऑफ यूज, यहाँ से लॉगिन करना। यहाँ से लॉगिन करने के बाद ये आपको फिर पूछेगा कि आपको खुद का यूज़र नेम और या खुद का पासवर्ड डालना होगा, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं मेरा डाल रहा हूँ, आपको वापस वही पासवर्ड डालना जो अभी आपने ऊपर डाला। फिर यहाँ से क्लिक करना है फिनिश, तो फिनिश करते ही इसका पूरा का पूरा जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। करना है क्लिक क्विक सेटअप। क्विक सेटअप के बाद मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, इन दिस मोड द एपी विल एक्ट एज अ सेंट्रल हब फॉर डिफरेंस वायरलेस लैंड क्लाइंट। मल्टी SSID इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस मोड विच सपोर्ट अप टू 4 डिफरेंट SSIDs एंड पासवर्ड। तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे बनाना है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। अब यहाँ से जो है मुझे आईपी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं चेंज करूंगा 1.suppose मैं रख रहा हूँ 1, 2, 3। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट दबाऊंगा। नेक्स्ट दबाने के बाद मुझे इसका नाम रखना है, जैसे कि मैं इसका नाम रखूंगा स्टील सिद्धू। और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूंगा, यहाँ यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका किलोमीटर मतलब आपको कितने किलोमीटर में ये डिवाइस लगाना है। तो आप चाहे तो 0 भी रख सकते हैं और चाहे तो जो भी रखना आप रख सकते हैं। तो मैं रखता हूँ नियर बाय 1 किलोमीटर। और मैक्स ट्रिम इसको इनेबल कर देना, इससे क्या है कि डिवाइस और पावरफुल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। एक्सेस पॉइंट ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब यहाँ से करना है फिनिश। फिनिश होने में थोड़ा बहुत टाइम लेगा। इसके बाद वापस हमें जो है इसकी आईपी चेंज करनी पड़ेगी बैक टू नॉर्मल। उसके बाद फिर हम ये जो आईपी अभी डाली 192.168.1.123 ये हम वापस इसमें ब्राउज़र के अंदर एंटर करेंगे। फिर आगे की प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसको राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क एंड ट्रेड। यहाँ से फिर चेंज एडाप्टर ऑप्शंस, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी एड्रेस 192.168.1.19, इसका गेटवे रहेगा 192.168.1.1। अब यहाँ पे मैं DNS भी डाल देता हूँ 8.8.8.8.8.8.4.4। अभी मैंने क्लिक किया ओके। चलो अभी ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए हमें आईपी चेंज करने के बाद ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेट किया है, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है।
प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है इसका मोड हो गया है एक्सेस पॉइंट पे, तो यहाँ से फिर क्या होगा कि इसका जो मेन वायर जो हमने लैन में कंप्यूटर के अंदर डाला है, अब इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के अंदर, जो इंटरनेट के मेन लैन वायर है। तो ये मैंने अभी लिया है रिसीवर, ये था ट्रांसमीटर, और अभी हम कॉन्फिगर करेंगे रिसीवर को। तो यहाँ से मैं इसको वापस रीसेट करने वाला हूँ, बटन तो दबा दिया है। चलो ये भी रिसेट हो गया। वापस हमें वही चीज़ दोहरानी होगी, क्योंकि रिसेट करने के बाद इसका वापस आईपी सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ से वापस राइट क्लिक करना है, ओपन टू द इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग, चेंज एडेप्टर ऑप्शंस, और उसके बाद इथरनेट के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ से फिर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5.4। यहाँ से हमें आईपी जो है वापस हमें चेंज करके 0 करके 1.2.3 रखनी है। यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज करना ज़रूरी है, और यहाँ से इसको करो ओके। ओके करने के बाद तो ये आईपी डालने के बाद वापस वही का वही सेम टू सेम खूब कॉन्फिगर करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है। यहाँ पे हमें फिर वही ADMIN, यहाँ से रीजन वापस इंडिया सिलेक्ट करना है, इंडिया। आई एग्री, लॉगिन, और सॉरी वही आईडी पासवर्ड डालूंगा जो मैंने ट्रांसमीटर में डाला था। पहले कि आपने देखा था कि अभी हम क्विक सेटअप में गए थे, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया था एक्सेस पॉइंट जो हमने सेट किया था ये ट्रांसमीटर के लिए, पर अभी हम रिसीवर के लिए जो रिसीव करेगा इससे, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे क्लाइंट। और क्लाइंट के बाद सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिर हमें अगेन इसकी आईपी चेंज करनी है, और आईपी चेंज करके इस बार हम कर देंगे 1.1.2.4, और फिर हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। अब आता है मेन चीज़, अब क्या करना है, अब इसकी वायरलेस क्लाइंट सेटिंग चेंज करनी है। इसका मतलब कि ये है कि अभी रिसीवर और ट्रांसमीटर को हमें दोनों को आमने सामने करना पड़ेगा, इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्वे। तो सबसे पहले हम इसको आमने सामने कर देते हैं, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसमीटर है, एक वायर जो पीओई का है वो मैंने डाला है बीमर में, और सेकंड वायर जो है वो मैंने डाला है डायरेक्ट इंटरनेट सॉकेट में। तो अभी हम इस रिसीवर को करने वाला कॉन्फिगर, तो यहाँ से अभी मैं सर्वे क्लिक करूँगा। सर्वे में ये चेक करेगा कौन से नेटवर्क अवेलेबल है, पर हालांकि पास में ये स्टील सिद्धू ही अवेलेबल है, तो फिर ये स्टील सिद्धू को हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें करना है कनेक्ट, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये क्लिक कर देना लॉक टू एपी। लॉक टू एपी के क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है जो हमने रिसीवर के अंदर सॉरी ट्रांसमीटर के अंदर पासवर्ड सेट किया था। और यहाँ पे हमें क्लिक करना है नेक्स्ट, और यहाँ से फिर क्लिक करना है फिनिश। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका आईपी मैंने चेंज किया है 192.168.1.124,
तो इसका रीजन ये है कि जो हमारा मेन राउटर होता है जहाँ से मेन कनेक्शन आता है, तो उसका जो आईपी होगा वही आईपी सब डिवाइसेस में चलेगा। तो उनका जैसे आईपी सीरीज है 192.168.1.1, तो 1.1 से लेकर 300 तक आप कोई भी नंबर आप कोई भी अपने डिवाइस का सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये मैंने सेट कर दिया, मुझे क्या करना है, मेरी कंप्यूटर की आईपी को चेंज करना है। यहाँ से वापस मैं पृथ्वी के आकार पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन एंड इंटरनेट सेटिंग में जाऊँगा। इंटरनेट सेटिंग में जाने के बाद चेंज एडेप्टर ऑप्शंस, यहाँ से फिर मुझे इथरनेट क्लिक करना है। इथरनेट क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर मैं प्रॉपर्टी पर क्लिक करूँगा। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद फिर मैं क्लिक करूँगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर यहाँ से मुझे मेरी आईपी वापस 192.168.1.19 रखनी है, क्योंकि मैंने इसकी आईपी का जो गेटवे है, डिफॉल्ट गेटवे जो है वो मैंने 1.1 के थ्रू रखा है। यहां से मैं कर दूंगा ओके। तभी अब आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन मिल चुका है और ये ट्रांसमिट हो रहा है इससे और ये रिसीवर से। तो रिसीवर जो है अभी इसको यहाँ से नेटवर्क लेके ये पीओई में यहाँ पे भेज रहा है और यहाँ से पीओई से लैन में जाके मेरे कंप्यूटर में जा रहा है। सो मैंने कंप्यूटर में तो आपको इंटरनेट चलाना सिखा दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये इंटरनेट अपने राउटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है और राउटर को मतलब जैसे कि आपको मल्टीपल डिवाइस में इंटरनेट यूज करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो हाल ही में अभी मैंने टिपे लिंक का राउटर लिया है, अब मैं इसको कर दूंगा रिसेट पूरा। इसको रिसेट करना जरूरी है। तो रिसेट हो चुका है, अभी हमें इसे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो अभी जो नए राउटर्स आते हैं इसका जो है पासवर्ड वो पीछे ही लिखा होता है। तो इसका पासवर्ड है 8648-3643। तो इस अभी तो इसका जो नाम आएगा वो टिपी लिंक करते हैं। तो राउटर ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ये मेरे टीपी लिंक राउटर का नाम है। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद मुझे इसका पासवर्ड डालना है। इसका पासवर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये राउटर के पीछे लिखा होता है, इसका पासवर्ड है 8648-3643। तो यहाँ पे मैं डालूँगा इसको 8648-3643। यहाँ से करूँगा नेक्स्ट। अब ये जो कनेक्ट हो चुका है पर इसमें अभी लिखा रहा है नो इंटरनेट। तो अभी हम इसको करेंगे कॉन्फ़िगर। तो वापस हमें माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाना है और यहाँ पे फिर से इसकी आईपी लिखनी है। तो राउटर की आईपी जो है वो रहेगी 192.168.1.1। अगर ये भी नहीं ओपन हो रही, अगर आपको आईपी जाननी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ से आपको जाना होगा नेटवर्क पे। नेटवर्क के जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये ऑलरेडी वाईफाई का ये सिंबल आया था, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आईपी मिल जाएगी। फिर यहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, तो वो रहेगा ADMIN। टैब पासवर्ड पे आ जाइए, यहाँ लिखिए ADMIN, फिर क्लिक कीजिए एंटर। तो एंटर क्लिक करने के बाद ये हमें पूछेगा क्विक सेटअप एंड स्टार्ट। तो इसे अभी यहाँ से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब मेरे को इसको यूज़ करना है एज एक्सेस, क्लिक करूँगा एक्सेस पॉइंट, फिर यहाँ से क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो है मैं राउटर का नाम रखूँगा, जैसे कि रखिए मिस्टर इंडियन OS और यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड रखूँगा जस्ट फॉर एग्जांपल 1234567 8। और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी आईपी भले आप कुछ भी रखो,
अगर आपको अपने डिवाइस कनेक्ट करने हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसकी आईपी कुछ भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम इसको डायरेक्ट अपने ट्रांसमिट रिसीवर से डायरेक्ट राउटर के अंदर डाल रहे, और जो रिसीवर है, रिसीवर का जो आईपी 192.168 के सीरीज में, तो आपको इसका भी आईपी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको है ना, ये स्टैटिक आईपी पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, 1.1 कर दीजिए, और यहाँ से इसको कर दीजिए नेक्स्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, द सेटिंग इज फिनिश्ड, प्लीज क्लिक द फिनिश बटन एंड मेक इट वर्क। फॉर डिटेल सेटिंग प्लीज क्लिक ऑन अदर मेनू इफ नेसेसरी। तो यहाँ से मैं कर दूंगा फिनिश। अब राउटर जो है रिसेट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ की लाइटें सारी चली जाएगी। तो राउटर जो है सक्सेसफुली कॉन्फिगर हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ये रिसीवर का जो वायर है, मेन लैन वायर, और डायरेक्ट हम डालेंगे इसके अंदर, इसके जो पोर्ट्स है इसमें। सो दोस्तों, यहाँ पे जो रिसीवर की पीओई जो लाइन है, और पीओई लाइन के बाद जो मैंने बोला लैन है, लैन वायर को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया है राउटर के पीछे। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको वैन वायर के अंदर कनेक्ट नहीं करना है। जो दूसरे पोर्ट्स है जो इंटरनेट शेयरिंग के लिए काम आते हैं, आप उसको किसी भी, जैसे 1, 2, 3, 4 किसी में भी लगा सकते हो, तो इससे आपका इंटरनेट वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसको मैं मोबाइल में चालू करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मेरा ये नाम है मिस्टर इंडियन ओएस, मुझे इसमें पासवर्ड डालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के कनेक्ट। मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा इंटरनेट कनेक्टेड, मिस्टर इंडियन ओएस कनेक्टेड। यहाँ से हम जैसे कि यूट्यूब चला के देखते हैं, आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल डेटा ऑन नहीं है, ऑफ है। ये जो है दोस्तों मेरी कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ आप इसे भी देखिएगा, आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो भी चल रही है, परफेक्टली इंटरनेट वर्क कर रहा है, तो जो हमारा कनेक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एकदम परफेक्टली। इतने कनेक्शन करने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर जो ट्रांसमीटर है और जिसको मेन भी बोला जाता है आपको वो, और जो रिसीवर है, और आपको कोई भी डिस्टेंस पर लगाना, तो इस चीज का ध्यान रखना, वो दोनों का फेस है वो एकदम ऐसे आमने सामने होना चाहिए, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो लो हो जाएगी, और आपको इंटरनेट स्पीड पूरी नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।